हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद सुभेंद्र कुमार। तो आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा टेस्ट पे। एलिजा भी कहते हैं, एलाइजा भी कहते हैं, तो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। और आज हम एलिजा के बारे में डिटेल में यहाँ पर जानेंगे कि एलिजा क्या है, किस लिए किया जाता है, प्रोसीजर क्या है, इसे डेवलप किसने किया और इसमें कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं, सैम्पल कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो यहाँ पर एलाइजा, सबसे पहले एलाइजा, तो एलाइजा का जो फुल फॉर्म है वो तुम्हारा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय एंगवॉल एंड पर्लमैन इन 1971। देखो तो ये तुम्हारे, ये हैं ये वाले जो यहाँ पर खड़े हैं, ये तुम्हारे हैं एंगवॉल, और इनके साथ ही में जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये हैं पर्लमैन। इन्होंने 1971 में इन्होंने इस टेक्निक को का इजाद किया था। इस टेक्निक के बारे में बताया था लोगों को कि ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐश। लेकिन इससे होता क्या है, किस किस चीज़ में ये यूज़ किया जाता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या रिजल्ट आते हैं और किस टाइप के रिजल्ट आते हैं, और हम उसे क्या कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, वो सारी की सारी बातें आप जानेंगे इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी चलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एलाइजा का टेस्ट कैसे होता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स शामिल हैं और कौन कौन से सैंपल इसमें लिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ब्लड सैंपल, यहाँ पर आपको ब्लड सैंपल दिखाया गया, कि वैसे ब्लड सैंपल में से सीरम लिया जाता है। सीरम, सीरम एल्बुमिन, और सुना होगा आपने, तो ये एक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर दे द एश एशे यूज अ सॉलिड फेस टाइप ऑफ एंजाइम इम्यूनो एशे। एंजाइम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एंजाइम का यूज़ किया जाता है। एंजाइम एक सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं जो कि एंजाइम इम्यूनो एशे कहलाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको EIA भी कहते हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। लीगेंड का मतलब बॉन्ड जो होते हैं, लीगेंड का मतलब जो बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्डों को चेक किया जाता है, और उसके साथ साथ कॉमनली अ प्रोटीन बॉन्ड, मेनली जो डिटेक्शन करता है ये प्रोटीन का डिटेक्शन करने का कार्य करता है। इन अ लिक्विड यानी उस लिक्विड में कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, उस लिक्विड में कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, इस चीज़ को ये चेक करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम किस किस से एलाइजा कर सकते हैं, किस किस से टेस्टिंग एलाइजा की कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल ले सकते हैं और उसमें से सीरम को लेंगे हम, ठीक है, यूजिंग एंटीबॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ को यूज़ करता है। ये किसको यूज़ करेगा, एंटीबॉडीज़ को। अभी आप आगे जाकर जानेंगे कि एंटीबॉडीज़ को ये यूज़ करके कैसे बताता है कि उसके अंदर वो डिजीज़ है या नहीं है। लेकिन इसका फॉल्स भी आ सकता है, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। कंफर्मेटरी का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता दे कि हाँ उसके अंदर वो डिजीज है, हाँ उसके अंदर वो डिजीज है, लेकिन ये इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बताता। आगे जाकर के अभी चीजों को समझेंगे कि किस प्रकार से ये नहीं बता पाता है कि उसके अंदर वो डिजीज है। जैसे मान लीजिए एलाइजा टेस्ट HIV के लिए हम कर रहे हैं, मेनली उसके लिए होता है, तो और सारी कई चीज़ों के लिए आज इंडस्ट्री हैं, कई सारी इंडस्ट्री जो उसका यूज़ करती हैं, जो प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए, कई फार्मास्यूटिकल, कई बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है, एलाइजा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एलाइजा इतना महंगा प्रोसीजर नहीं है। अगर इसमें पॉजिटिव आ जाता है, इसमें अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको बिल्कुल कन्फर्म करने के लिए, अच्छी तरह से कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जानेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। आज हम जानेंगे इसी के बारे में, आज हम जानेंगे इसी के बारे में, डायरेक्ट अगेंस्ट द प्रोटीन टू बी मेजर्ड। अब यहाँ पर प्रोटीन को ये मेजर करेगा कि प्रोटीन उसके अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या कई टाइप की इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल करती है, एलाइजा का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट इफ यू हैव एंटीबॉडीज, इफ यू हैव एंटीबॉडीज रिलेटेड टू सर्टेन इन्फेक्शस। अब देखिए इन्फेक्शियस का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि कोई आपको इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए कि कोई आपको इन्फेक्शन हुआ,
तो किसी भी डिजीज़ का हो या किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो, तो हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस हैं वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। मान लीजिए हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी के जो एंटीजन हैं वो क्या करेंगे, ये देखिए एंटीबॉडी एंटीजन बना रहे हैं और वो बाइंड करेंगे किससे, एंटीजन से, और वो क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आया, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आया। अब एंटीजन अगर बाहर से आएगा तो एंटी हमारी हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी उससे फाइट करने की कोशिश करेगा, उससे फाइट करने की ये कोशिश करेगा। अब फाइट में अगर जीतता है तो उन एंटीबॉडीज को वो अपने पास रख लेगा, बचा करके रख लेगा, कि अगर सेकेंड टाइम में इसका आक्रमण होता है, यदि सेकेंड टाइम में इसी बैक्टीरिया या इसी इन्फेक्शन का उस बॉडी पर आक्रमण होता है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हीं एंटीबॉडीज को वो यूज करेगा और उनसे फाइट करेगा, उनसे फाइट करेगा, यानी कि वो एंटीबॉडीज हमेशा हमारी बॉडी में पड़ी रहेंगी, वो एंटीबॉडीज हमारे हमेशा बॉडी में पड़ी रहेंगी। ठीक है, एलाइजा इसीलिए कहा जाता है फॉल्स। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी डिजीज है, मान लीजिए आपको कोई भी डिजीज था, आप डिजीज से सफर किए, इन्फेक्शन हुआ या डिजीज हुआ, और उसके बाद हम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटीजन एंटर करने के बाद हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना ली। अब एंटीबॉडीज तो हमारे पूरे के पूरे लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी में वो रहेंगी, तो एलाइजा जब कभी भी किया जाएगा, एलाइजा जब कभी भी किया जाएगा, तो वो तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर रहा है ना, तो ये बता देगा कि हाँ एंटीबॉडीज हैं। इसीलिए कहते हैं एलाइजा ये बताता है कि कभी इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, कभी इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, अभी है ये नहीं बताता, इस चीज को बिल्कुल नहीं बताता, कभी इन्फेक्शन हुआ था या नहीं इस चीज को बताता एलाइजा, और अभी है या नहीं है, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि अभी है या नहीं है, उसके लिए हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। यानी इसीलिए कहा जाता है कि एलाइजा जो है हमारा वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं कहलाता है। तो यहां पर एंटीबॉडीज को जब यूज किया जाता है, यहां पर जब यूज किया जाएगा एंटीबॉडीज को, तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज क्या है, हमारे प्रोटीन्स है दैट प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल सब्सटेंस। अब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा, जो मैं भी बता गया, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि आप बैक्टीरिया, वायरस है ना, फंजाई, या किसी को भी आप ले सकते हैं प्रोटोजोन्स, उनको ले सकते हैं, लेकिन मेनली बैक्टीरिया वायरस के लिए ही ये यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी तो एलर्जेंस वगैरह भी होते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, दैट मेनली कॉल्ड द एंटीजेंस, दैट मेनली कॉल्ड द एंटीजेंस, जो बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने कहा इट इज अ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसके फॉल्स इंडिकेशन भी आ सकते हैं, कहने का मतलब ये गलत भी हो सकता है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ ये बताता है कि कभी इन्फेक्शन हुआ था या नहीं, क्योंकि उस टाइम जब हुआ था तब ठीक हो गए थे, लेकिन एंटीबॉडीज तो थी, ये डिटेक्ट कर रहा है एंटीबॉडीज को ही, ये डिटेक्ट कर रहा है एंटीबॉडीज को, इसलिए वो बताता है कि कभी इन्फेक्शन था या नहीं, अभी है इसकी बात वो नहीं बताता है, अभी है या नहीं है ये नहीं बता पाएगा, कभी था ये जरूर बता देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वही बात लिखी हुई है यहां पर, मैंने वही बात शब्दों में भी लिख दी है, चाहे तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, हालांकि एलाइजा आपके सिलेबस में लिखा है, टेस्ट लिखा है एलाइजा किसके लिए होता है, एचआईवी वगैरह के लिए, कई चीज़ों के लिए है ना, रोटा वायरस वगैरह के लिए भी होता है, कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इसका यूज़ करती है प्रोटीन डिटेक्शन में। तो यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट ये नहीं बता सकता, ये मैंने वर्डिंग में भी लिख लिया है, तो आपको शायद ईजी होगा थोड़ा सा जो मैं बोल गया शायद लिखने में, तो इसलिए मैंने बना दिया है, क्योंकि ये टेस्ट ये नहीं बता सकता कि अभी इन्फेक्शन है या नहीं, अभी इन्फेक्शन है या नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता है, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि कभी था या नहीं, यानी लेकिन ये जरूर बता सकता है कि कभी था या नहीं, कभी था तो उस टाइम एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम ने, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र ने एंटीबॉडीज बनाई, और एंटीबॉडीज को वो मेमोरी सेल के फॉर्म में, मेमोरी सेल के फॉर्म में वो रख लेता है, याद रखता है उन्हें कि इस एंटीजन ने हमारी बॉडी में एंटर किया था तो हमने ये एंटीबॉडी से उसको मारा था, और नेक्स्ट टाइम जब एंटर करेगा तो उसी से वो फाइट करेगा, और उसी से वो उस फाइट को
जीत लेगा, कहने का मतलब उसी सेल्स के थ्रू उनको मार देगा, उन एंटीजेंस को मार देगा अगर सेकंड टाइम वो एंटर करते हैं। जैसे कि आप कभी सुने होंगे कि जैसे चेचक लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, बट ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है, कभी कभी किसी भी एक को हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया भाई, इन्फेक्शन जो चेचक थी, यानी जिसको आप स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स कहते हैं ना, स्मॉल पॉक्स तो अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड से, है ना, पूरी दुनिया से इसे ख़त्म कर दिया गया। और जो चिकन पॉक्स, मान लीजिए कि किसी को चिकन पॉक्स हुआ था, वेरियोला जूस्टर है ना, वेरियोला वायरस भी कहते हैं, वेरियोला जूस्टर वायरस भी कहते हैं, तो वेरियोला वायरस की वजह से किसी को चेचक हुआ था, तो चेचक जिस टाइम हुआ, हमारे बॉडी ने क्या किया होगा, हमारे बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडीज़ बना ली। अब उन एंटीबॉडीज़ को उसने स्टोर करके अपने पास रखा, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वो हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा कि ये वही है एंटीजन जो पहले आया था और उसको हमने इन सेल्स से मारा था, तो वो उन्हीं सेल्स के थ्रू उनको भी ख़त्म कर देगा। इसलिए दोबारा कभी इसका सिम्टम्स वगैरह नज़र नहीं आते पेशेंट के अंदर, इसलिए कहा जाता है कि दोबारा होना मतलब बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर समझ लीजिए, लेकिन डेफिनेटली 100% ही नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी था तो अभी है या नहीं, यानी ये, और यदि कभी था तो अभी है या नहीं, और अगर अभी है तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने बताया ना, इसने क्या किया कि कभी इन्फेक्शन था वो चीज़ बता दी, लेकिन अभी है ये नहीं बता पाएगा, अभी है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड करेंगे, उस मेथड से हमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, और वो डिटेक्ट करता है मेथड एंटीजेंस को। ये डिफरेंस है कि एलाइजा में और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेगा, वो एंटीजेन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लेना, अगर ना समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर बताऊंगा, और भी अच्छे से समझाने को आपका प्रयास, आपके लिए प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसका मीन भी आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझा दिया है ना, इसलिए ये भी देखिए कन्फ्यूज़ है, ये भी कन्फ्यूज़ है थोड़ा सा, लेकिन मैंने इस क्लियर कर दिया, उसको भी समझ में आ गया होगा और आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एन एलाइजा, एंटीजेंस फ्रॉम द सैंपल टू बी टेस्टेड आर अटैच्ड टू अ सरफेस। अब क्या किया जाता है, ये देखिए, ये एक प्लेट है जिसमें डिटेक्शन किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आपको दिख रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स में होते हैं, यानी इस पर ये भी मायने रखता है कि जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा, उससे टेक्नीशियन जो होते हैं, टेक्नीशियन वो इस बात का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इन्फेक्शन कितना ज़्यादा डार्क होगा, कितना ज़्यादा गहरा होगा, इन्फेक्शन कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डार्क उतना ज़्यादा इन्फेक्शन, और जितना कम उतना ही कम, यानी उससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, इस बात का एक रफ आइडिया ज़रूर लग जाता है। तो टेस्टेड आर अटैच टू अ सरफेस, यानी इसके सरफेस पे क्या अटैच किया, देन आ मैचिंग एंटीबॉडीज़। अब उनके क्या एंटीबॉडीज़ कहने का मतलब है कि जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, उसी की तो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे ना, लेकिन उसके लिए पहले हम एंटीजेंस को रखेंगे, उसके लिए हम किसको रखेंगे, सबसे पहले एंटीजेंस को रखेंगे भाई, उसके लिए एंटीजेंस को रखेंगे, और उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ है उनको डिटेक्ट कर रहा है ये, है ना, उनको ये डिटेक्ट कर रहा है। एंटीबॉडीज अप्लाइड ओवर द सर्फेस, एंटीबॉडीज़ को अप्लाइड कर दिया जाएगा सर्फेस पे, सो इट कैन बाइंड द एंटीजन। अब ये क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज़ थी तो वो किससे बाइंड करेंगी, एंटीजन से बाइंड करेंगी, वो एंटीजन से बाइंड करेंगी। दिस एंटीबॉडीज इज लिंक्ड टू एन एंजाइम एंड देन एनी अनबाउंड एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड। अब देखो, जिसका हम डिटेक्शन कर रहे हैं, जिसका हम डिटेक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर भाई, वो एंटीबॉडीज़ हैं, हमने डाला क्या एंटीजन, यूज़ किया हमने क्या एंटीजन। अब एंटीजन और हमारे जो बॉडी के अंदर उसके जो एंटीबॉडीज़ थे, यानी एचआईवी का एंटीजन हमने डाला बाहर से, जो सैंपल था बाहर में, और उसके बाद उसमें हमने डाल दिया क्या, जो हमारे शरीर के का जो सीरम या ब्लड ब्लड था, जो सैंपल में था, सैंपल था उसको हमने डाल दिया। अब क्या होगा कि एचआईवी हमने डाला ना, तो एचआईवी के जो एंटीजन हमने डाले, ये एंटीजन बाइंड करेंगे एंटीबॉडीज से, ये एंटीजन बाइंड करेंगे अपने ही एंटीबॉडी बॉडीज से, ठीक है, जिससे वो उनको
किल कर सके। तो अब जब ये बाउंड हो जाएंगे, बाकी के जो बचे हुए होंगे, वे ऐसा तो नहीं है कि कोई और नहीं होगा, हो सकता है कि कोई और भी उसके अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल हो, है ना, जो कि उसके अंदर हो, बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी हो सकता है। तो अनबाउंड जो होगा, जो बाउंड नहीं करेगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, यानी जो काम का है उसे ही ले लिया जाएगा, जो काम का है उसे ले लिया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाता है वहां से। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा। फिर वहां पर जब हम बात करते हैं, इन द फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा, अ सब्सटेंस कंटेनिंग द एंजाइम सब्सट्रेट। अब एंजाइम के पास जो सब्सट्रेट होगा इज एडेड, अब वो एड कर दिया जाएगा, इसलिए एंजाइम सब्सट्रेट, एंजाइम का जो सब्सट्रेट होगा जिससे वो बाइंड करेगा, ठीक है, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। देखिए इसमें भी ऐड किया, अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे, सब में सैंपल पड़ा हुआ, सब अलग अलग कलर आपको दिख रहेंगे, कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर है, कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ वेरी लाइट है ना, तो कुछ मीडिएटेड है, तो काफ़ी। अब इसमें जब ऐड किया जाएगा एंजाइम, जो सब्सट्रेट ऐड किया गया, इसलिए कहते हैं इसको एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम के को लिंक किया जाएगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा, तभी कहते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इफ देयर वॉज बाइंडिंग द सबसिक्वेंट रिएक्शन प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल सिग्नल, अगर उसमें डिटेक्टेबल सिग्नल आते हैं, मोस्ट कॉमनली अ कलर चेंज। क्या डिटेक्ट करेगा कि उसमें कलर कितना चेंज हुआ है, यानी कलर उसका चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज होगा। हाउ मच कलर चेंज, यानी हाउ मच कलर चेंज, कितना कलर चेंज हुआ, द एंजाइम कॉज हाउ मच कलर चेंज द एंजाइम कॉज, अलाउ द टेक्नीशियन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, इससे वो अंदाजा, एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि एंटीबॉडीज का कितना अमाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये प्रोसीजर दिखाया गया कि उस एलाइजा में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है जो कि बताया गया है, ठीक है। एलाइजा आप जानिए कि हाँ किसके किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इसका प्रोसीजर वगैरह आपके सिलेबस में ये इसका पार्ट नहीं है। तो एलाइजा प्लेट होती है, जो आपकी अभी मैं दिखा चुका हूँ, एलाइजा प्लेट होती है, ठीक है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे का प्लेट होता है, प्लेट के साथ क्या कर दिया जाता है, अ कोटेड SARS-CoV-2, यानी इसका मीन है SARS, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका ये नाम है, ठीक है, फॉर द कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि मेनली ये क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, यानी लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीन होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी मल्टीपल सिम्टम्स प्रेजेंट इन अ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का सैंपल लिया जाएगा, पेशेंट का क्या लिया जाएगा, सैंपल, वो सीरम, ब्लड, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों से ये एलाइजा कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, उसको मिक्स कर दिया जाएगा, उनमें से क्या किया जाएगा, NTSARS को COV, जो को अभी पूरा नाम बता चुका हूँ, एंटीबॉडीज, पहले क्या किया गया, एंटीजन और एंटीबॉडीज, अब उसको बाइंड करा दिया जाएगा। देखिए ये क्या थे, एंटीजन्स थे, और एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड करा दिया गया, एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड करा दिया, पेशेंट्स सैंपल्स, जो भी पेशेंट का सैंपल था, कॉन्जुगेटेड सेकेंड AB एंटीबॉडी। अब यहाँ पर AB किसको शो कर रहा है, AB भी एंटीबॉडीज है, AB किसको शो कर रहा है, AB मतलब एंटीबॉडी, ठीक है, AB मतलब एंटीबॉडी होता है, ये यहाँ पर आप लिख लीजिए, AB is equal to anti BOTY, ओके। ये थोड़ा सा कर्सर में प्रॉब्लम है, कर्सर से ही चलाना पड़ता मुझे, तो यहाँ पर फिर उसके बाद इंजेक्ट किया जाएगा। अब देखो इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड सेकेंड एंटीबॉडी एंड NTSARS कोरोना वायरस सेकेंड एंटीबॉडी, यानी उसके अंदर
क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया जाएगा, जिसका भी हम डिटेक्शन कर रहे हैं, अब HIV हो या कोरोना वायरस का हो, जिसका भी हम कर रहे हैं। अब उसके साथ सबस्ट्रेट, हमने बताया था ना एंजाइम का सबस्ट्रेट डाला जाएगा, तो सबस्ट्रेट एंजाइम्स सबस्ट्रेट उसके अंदर डाल दिया जाएगा, एडिंग सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, वो तो सबका टेस्ट जैसे जैसे होता है उनका सबका अलग अलग सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड कॉन्जुगेटेड सेकेंड एंटीबॉडीज। अब वो कॉन्जुगेट जो कर गया उसके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, उसके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो गया हो रहा है, वो इंक्यूबेशन में यानी कि जो हम प्लेट लिए थे उसमें दिखाने लगता है। फिर प्लेट रीडर को, प्लेट को इस इंक्यूबेशन वाला जो हुआ है, इस प्लेट को उठा करके हम रख देते हैं इस पर, एलाइजा प्लेट रीडर पर, एलाइजा प्लेट रीडर पर हम रख देते हैं, और उससे इस प्रोसीजर से पूरा का पूरा हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या कंडीशन है। बट मैंने एक बात बोली है कि ये फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है। मैंने कहा ना, फिर से सुन लो एक बार, कि कभी इंफेक्शन हुआ था या नहीं, कभी इंफेक्शन हुआ था ये बात बता देगा, अभी है ये बात नहीं बताएगा। ये बात जानने के लिए हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात जरूर याद रखना, लिख लेना कहीं पर, भूलना मत, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए एलाइजा हैज बीन यूज्ड एज, अब किस किस में ये यूज किया जाता है, ठीक है, किस किस में ये यूज किया जाता है एलाइजा टेस्ट। तो यहां पर फर्स्ट वाला जो आपका है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, सॉरी। अब देखिए यहां पर डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, मेडिसिन के लिए ये डायग्नोस्टिक टूल है, यानी मेडिसिन की टेस्टिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी के लिए भी किया जाता है प्लांट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज। अब कई सारी इंडस्ट्री में क्वालिटी चेक करने के लिए कि इसमें कितने मात्रा में प्रोटीन है, क्या क्या है, कौन से प्रोटीन है, किन किन चीजों में मतलब एडेड किया जाए, कितने अमाउंट में ऐड किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है, और कितने अमाउंट में है ये भी ये बता देगा, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ कि इनफेक्ट ज़्यादा, जितना ज़्यादा डार्क उतना ज़्यादा ही उसकी प्रेजेंस होगी, ठीक है, यानी इन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अब मेडिकल्स में ये कौन कौन से चीज़ में यूज़ किया जाता है, पहला देखिए, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यहां पर देखिए, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम एंटीबॉडीज इन द ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसको हम तपेदिक कहते हैं, यानी कि टीबी, इसको टीबी कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस इन फीसिस, रोटा वायरस यानी फीसिस का मतलब होता है मल में, फीसिस का यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है, फीसिस का मतलब हिंदी में होता है मल, फीसिस का मतलब होता है मल, इसको कहते हैं, ठीक है, तो मल में रोटा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी मार्कर्स इन सीरम। हेपेटाइटिस बी मैं क्लास इस पर भी ले चुका हूँ, है ना, और आप लोगों की क्लास 12th वालों की इस पर क्लास हो चुकी है हेपेटाइटिस बी पे, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के लिए हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एन एफ, नहीं नहीं सॉरी जी, एफ नहीं होता, जी होता है, ए बी सी डी ई और जी टाइप, यानी टोटल 6 टाइप्स के होते हैं हेपेटाइटिस, लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है वो हेपेटाइटिस बी ही होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, उसके डिटेक्शन के लिए भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन लिवर, हेपेटिक, ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन ऑफ ई कोलाई इन फीसिस, ई कोलाई की भी प्रेजेंस को देखा जाता है कि वो है या नहीं है। डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडीज, HIV के लिए भी इसका यूज किया जाता है इन ब्लड सैंपल, ब्लड के सैंपल के थ्रू, लेकिन ये बता देगा कि कभी था या नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए कि अभी है HIV का या नहीं है, वो तो हमेशा ही रहेगा, वो तो कंफर्म, लेकिन इसके लिए करना पड़ता है हमें, इसके लिए हमें करना पड़ता है क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, यानी वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी पड़ेगी। तो डिटेक्शन ऑफ SARS बता दिया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ऑफ कोरोना वायरस टू एंटीबॉडीज इन ब्लड सैंपल्स, वो भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि आपने सुना होगा RT-PCR वगैरह होता है, और RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसके बारे में भी
मैं आपको बता चुका हूँ, मेनली मैंने क्लास 12th के लिए बनाया है ना, लेकिन अगर 11th और अदर भी कोई देखते कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। नॉलेज कहीं से भी हो आपको नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं वॉमिट हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कहाँ से संबंधित है, ऑफ कोरोना वायरस 2, यही तो था। क्या था? SARS-CoV-2, ठीक है। यानी ये कहाँ होता है? मेनली रेस्पिरेशन का होता है। रेस्पिरेशन में अब मान लीजिए कि लास्ट में क्या होते हैं, लास्ट में होते हैं वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स होते हैं। इनमें क्या फ्लूइड भर जाएगा तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इनमें फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड भर जाएगा तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सिंपल सी बात है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नॉलेज टू जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके पास एक बार रिटर्न ज़रूर आएगा वो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें कि एक आध सब्सक्राइब भी दिला दें तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में अगले संडे को फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है। कोई अगर किसी और टेस्ट के बारे में पढ़ना हो तो कमेंट करने में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी लेकर, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो आप बताइएगा, मैं उसके लिए भी लेकर के आऊँगा। थैंक यू क्लास।